अल्लाह ताला को जुबान और दिल का सख्त होना पसंद नहीं, इसीलिए अल्लाह ने इन दोनों को बगैर हड्डी के बनाया है। किसी को जलील करने से पहले खुद जलील होने के लिए तैयार रहे, क्योंकि अल्लाह का तराजू सिर्फ इंसाफ तोलता है। कुरान पाक कहता है, अपने दुश्मनों की चालों से परेशान न हुआ कर, बेशक तुम्हारा रब सबसे बेहतरीन चाल चलने वाला है। सिर्फ दो लोग मुकद्दर वाले होते हैं, एक वो जिन्हें वफादार दोस्त मिलता है और दूसरे वो जिनके साथ माँ की दुआएं होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मेरा बंदा मेरे बारे में जो गुमान करता है मैं इसको पूरा करने के लिए इसके पास होता हूँ, और जब वो मुझे पुकारता है तो मैं इसके साथ होता हूँ। माँ बाप के साथ तुम्हारा सलूक ऐसी कहानी है जो लिखते तो तुम हो लेकिन तुम्हारी औलाद तुमको पढ़कर सुनाती है। इंसान परेशानियों की गिनती करने का माहिर है लेकिन नियामतों का हिसाब रखना भूल जाता है। मुसलसल दस्तक देने से दरवाज़ा खुल ही जाता है, इसलिए अपने रब की रहमत से कभी मायूस मत होना, हमेशा दुआ करते रहा करो। जो शख्स तुम्हारी नज़रों से तुम्हारी ज़रूरत समझ नहीं सकता, उससे कुछ मांग कर खुद को शर्मिंदा न करो। जब औलाद दुनिया की दौलत से अमीर बन जाए तो माँ बाप डर डर के बात करते हैं कि कहीं औलाद नाराज न हो जाए, लेकिन जब औलाद ईमान की दौलत से अमीर बन जाए तो औलाद डर डर के बात करते हैं कि कहीं माँ बाप नाराज न हो जाए। सबसे बड़ा गुनाह वो है जो गुनाह करने वाले की नज़र में छोटा हो। अगर तुम नेकी के लिए परेशानी उठाते हो तो गम न करो, क्योंकि तुम्हारी परेशानी खत्म हो जाएगी लेकिन तुम्हारी नेकी बाकी रहेगी। मोहब्बत की पहली शर्त इज्जत है, और जो इज्जत नहीं दे सकता उसकी मोहब्बत झूठी है। जो सलाम करने से पहले बातचीत शुरू कर दे उसकी बात का जवाब मत दिया करो। उस खुदा पर भरोसा करो जो तुम्हारी नाफरमानी के बावजूद तुम्हारा रिज़िक बंद नहीं करता।